धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हमारे मतदाताओं ने, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नागरिकों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इतिहास बनाया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिस्ट्री में, उसके लिए मैं मनोज तिवारी, आपका जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, जिनके लिए मैं स्पेशली ये संदेश बना रहा हूँ, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक कमल है। और सबसे अच्छी बात कि मुझे जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व ने दिया, उसके नाते हमारा नैतिक कर्तव्य था कि दिल्ली की सातों सीटें जीतें। हर जगह प्रचार भी किया और सातों सीटें जीते, तो दिल्ली के प्रत्येक मतदाता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और कई ऐसे लोग जो अचानक से आते हैं और नरेंद्र मोदी जी को जिताने में, बीजेपी को जिताने में लग जाते हैं, उन सभी लोगों को मैं मनोज तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनको हमें एड्रेस करनी है अगले 5 साल में, और हम निश्चित रूप से उनको, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। इस चुनाव में बहुत सारे लोगों ने बहुत कटाक्ष भी किए होंगे, उनको भूल करके आगे बढ़ना है, क्योंकि विजेता जख्म नहीं देखा करते, उन जख्मों पे समय मरहम लगाता है। आगे भी जो हमसे नहीं भी जुड़े, उनको कैसे जोड़ना है, इसके लिए हम आगे चलेंगे। लंबी यात्रा पे हैं हम सब, नरेंद्र मोदी जी को तिवारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो 1962 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी गठबंधन को तीसरी बार मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ समय खपाए हैं प्रचंड गर्मी में, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, नतमस्तक हूँ आप सबके सामने। आज विजय के बाद थोड़ा सा ये मौका मिला तो आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। जल्दी हम लोग मिलेंगे, और भी योजनाएं बनेंगी और धन्यवाद भी होंगे मिलकर के। जय हिंद, जय भाजपा।